ପାଣି ଘେରରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନା ଲାଇନ ଅଛି, ନା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ବି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ ପଶି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ପଶି ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି, ଫଳରେ ଲୋକେ ନାନା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଧପୁର ଅଞ୍ଚଳର। ତିନି ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି। ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିକାରୀମାନେ ପମ୍ପ ଯୋଗେ ପାଣି କାଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପମ୍ପ କାମ କରୁନି ବୋଲି କହି ଆଉ ପାଣି କାଢ଼ିଲେନି। ସେହିପରି କିଛି ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ବୋଟ୍ ଯୋଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସି କେବଳ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ବୋଟ୍ରେ ବୁଲି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବାହାନାରେ କେବଳ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ପାଣି ଚାରିଦିନ ହେବ ନ କମିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। बरसात के कारण यहाँ पे इतनी परेशानी हो रही है कि यह सुल्तान नगर और न्यू रूपनगर में पानी भरा हुआ है और लोगों को आने जाने की समस्या हो रही है। न लाइटें हैं, न खाने पीने की व्यवस्था बनाने में भी तकलीफ हो रही है और लोग इतनी परेशानी में हैं कि जो निगम के भी कर्मचारी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, किंतु आसपास पानी निकालने की समस्या है, जो ये पानी कहाँ जाए। चार दिन से सोमवार से बरसात शुरू हुई है, आज हो गया गुरुवार, चार दिन से पानी भरा हुआ है, कोई सामने नहीं देखने वाला है। आ रहे हैं आर्मी के लोग भी आ रहे हैं, नगर निगम वाले आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सके। पानी ऐसे ऐसे कारण पूरा भरा हुआ है, आज तीन दिन से मैं देख रहा हूँ, कुछ नहीं, कोई समाधान नहीं हुआ है। तीन दिन से लाइट नहीं है, पानी भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने नगर निगम की गाड़ी लाके खड़ी की हुई है, इसमें पंप लगा हुआ है, लेकिन वो पंप सिर्फ गाड़ी खड़ी है, पंप काम नहीं कर रहा। अभी सेना को मोर्चा संभाल लिया, सेना ने क्या किया, एक बोट लाए जिसमें से घूम के और वापस आ गए, उसमें 10 सेना के जवानों के, एक आगे उसके, वो रेस्क्यू नहीं है, वो एक फोटोग्राफी है जिससे कि ये दिखाना चाहता है कि हम काम कर रहे हैं, उसमें काम कुछ नहीं हुआ है। वो जो जवान आगे एक फोटोग्राफी करने के लिए आगे खड़ा हुआ है, वो फोटो खींच रहा है और उसने एक घर से दो घर से दो आदमी को उठाया और उसको बिठाया और यहाँ ला कर फोटोग्राफी कर लिया, तो काम नहीं है, सिर्फ ये एक लीपापोती है। तो ये कितने दिनों से यही हाल है? ये तीन दिन से ऐसा ही है, पानी इतना का इतना खड़ा हुआ है, पंप लगता है काम नहीं करता है, तो फिर पंप लगा रहे मतलब भी कुछ नहीं है, पाइप फट जाता है, बोलते हैं पाइप फट गया, अरे तो पाइप ही नहीं है आपके पास में, तो फिर आप क्या करोगे? बाहर को जीवा तो दूर रख, लोग माने घरों मध्य बाहरी पर ना एपरी परिस्थिति रे लोग माने असहाय हो पड़ा सह सेना अधिकारी ओ महानगर निगम अधिकारी को सठिक भावे काम करबा को अनुरोध करी छथि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस।